प्रदेश में प्रधान पद के साथ साथ बीडीसी जिला पंचायत के चुनाव नजदीक आते ही इन पदों के उम्मीदवार लंबे समय से तैयारियों में जुट जाते हैं। यहां तक वे खुद को जिताने के लिए कोई भी षड्यंत्र रचने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके चलते वे अधिकारियों से साठ गांठ कर मतदाता सूची से ही उम्मीदवार का नाम गायब करने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के तहसील करहल क्षेत्र के ग्राम सभा उरथान में देखने को मिला है, जहां अपने जन्म से निवास कर रहे एक उम्मीदवार रणवीर सिंह यादव व उनकी पत्नी सहित पूरे परिवार का षड्यंत्र के तहत षड्यंत्रकारियों ने अधिकारियों से साठगांठ कर मतदाता सूची से नाम ही कटवा दिया। यही नहीं, उन्होंने ये नाम एक ग्राम सभा से कटवा कर दूसरी ग्राम सभा में जुड़वा दिया। प्रधान पद के उम्मीदवार रणवीर सिंह की पत्नी शांति देवी ने बताया कि वे 2005 में प्रधान पद का चुनाव लड़ चुकी हैं और इस बार भी शांति देवी ग्राम सभा में प्रधान पद की उम्मीदवार थी। उनके सरल स्वभाव और निजी व्यवहार के चलते षड्यंत्रकारी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाते। वहीं मतदाता सूची में नाम गायब होने की जानकारी मिलते ही रणवीर सिंह और उनकी पत्नी शांति देवी ने 4 माह पूर्व जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी ग्राम सभा की सूची में नाम जुड़वाने की मांग की थी, जिसके लिए वो लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रही थी, लेकिन अब वह थक हार कर घर बैठ गई। उधर रणवीर सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि लेखपाल और एसडीएम करहल द्वारा भारी भरकम मोटी रकम लेते हुए साठगांठ कर ली गई है, जिसके चलते उनका व उनके परिवार का नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा गया। वही सक्षम अधिकारी आजकल का हवाला देकर उन्हें बहला फुसला कर भगा देते हैं। जब इस संबंध में एसडीएम करहल से बात करने की कोशिश की गई तो वे कैमरे के सामने बोलने से मुकर गए। मेरा नाम शांति देवी। आपके पति का नाम क्या है? श्री रणवीर सिंह। किस गाँव की रहने वाली है? कोतपुर की। अच्छा, क्या है हम तुम्हारे मतदाता सूची में नाम नहीं है क्या? नहीं है नाम, साल पहले था, पता नहीं किसने कटवा दिया, ये मुझे मालूम नहीं है। क्या आप पहले प्रधान का चुनाव भी लड़ी थी? मैं 2005 का चुनाव लड़ी थी सर, और फिर मेरा पता नहीं किसने नाम, अब मैं फिर 2031 में फिर लड़ना चाहती आना चाहती हूँ, लेकिन मेरे विरोधियों ने मेरा नाम कटवा दिया है। अच्छा, मतलब सूची से नाम ही गायब करवा दिया? सूची से नाम, मेरा सूची में नाम नहीं। अच्छा, इसकी जानकारी आपको कब मिली थी कि हाँ मैं तुम्हारा सूची में नाम नहीं है? तो काफी समय से मैं प्रयास कर रही हूँ, लेकिन जिस अधिकारी के पास जाती हूँ वो अधिकारी मुझे बेला देती है, हो जाएगा काम, लेकिन करते नहीं। अच्छा, तो ये कब से प्रयास कर रही हैं आप? हम कम से कम 2 महीने हो गए, जब से मुझे पता लगा तब से मैं प्रयास में हूँ। अच्छा, तो आपका अभी तक नाम नहीं जुड़ा? नहीं जुड़ा, मेरा आधार कार्ड भी यहीं का है, मेरा मूल निवास यहाँ का है और मेरा पैन कार्ड यहाँ का है, मेरे सारे प्रूफ यहाँ के हैं, फिर भी हमारा नाम नहीं अंकित किया जा रहा है। तो लगता है बड़ी साज है कि वो साठगांठ है? हाँ, साठगांठ बड़ी है, हमारे जो भी विरोधी हैं वो हमारा पीछा बहुत ज्यादा कर रहे हैं और अधिकारी भी कर रहे हैं। ठीक, इसमें एसडीएम साहब का पूरा हाथ है, वो पहले तो कहते रहे। कहाँ के एसडीएम का पूरा हाथ है? करेल, पहले तो वो कहते रहे कि हाँ हो जाएगा काम, हो जाएगा, अब एंड में आके उन्होंने मना कर दिया कि किसी कीमत पर नहीं हो पाएगा, और जो लेखपाल हैं वो भी हमारे खिलाफ हैं एसटीएम के कहने पर। रणवीर सिंह क्या पूर्व प्रधान है क्या? जी। अच्छा, ये बताइए सर, यहाँ पर एक शांति देवी नाम की एक महिला है, जिनका मतदाता सूची से नाम गायब कर दिया, क्या ये कभी चुनाव लड़ी थी? जी सर। अमूट की मतदाता सूची से नाम कैसे गायब हो गया और क्या क्या प्रयास किया गया, अभी तक क्यों नहीं जोड़ा गया? नहीं, प्रयास तो साहब बहुत किया गया, बीएलओ ने यहाँ से बोर्ड बना दिया था जी, और लेखपाल ने उसे काट दिया जी, और काटने के बाद फिर एसटीएम ने उस पर रोक लगाई और फिर हम एसटीएम से मिले, मैं स्वयं मिला जी, फिर एसटीएम के बाद हम डीएम से मिला, और पूर्व प्रधान मैं हूँ और शांति देवी मेरी पत्नी भी है। हाँ ठीक है, तो क्या कह दिया उन्होंने? उन्होंने ये कह दिया कि हम आपका वोट बना देंगे, हमें 1-1.5 महीना से झांसा में डाले हुए जी, और अब लास्ट में आके उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, वोट नहीं बन पाएगा। तो क्या इस एसडीएम के अलावा किसी अन्य अधिकारियों से भी गए आपने बात? जी सर, डीएम साहब से गए। हाँ। तो डीएम साहब से भी जब हम मतलब डीएम साहब से गए, हम कमिश्नर साहब से गए। हाँ। और कमिश्नर साहब ने डीएम साहब के लिए फोन किया और फोन पे बात हुई और फिर व्हाट्सएप करके, दो वोट मेरे न ग्वारी में थे न यहाँ थे, वे दो वोट के लिए मैंने आवेदन यहाँ किया लेकिन उनने ग्वारी मना दिए, इसलिए कि ये चुनाव से वंचित हो गए।
जबकि आपका पूरा मकान भी यहाँ पर है, मकान भी है, 10 साल हमें यहाँ से प्रदान, खेती बाड़ी भी आपकी इसी में, सारी जमीन जो सामने वाली जमीन मेरी है सर, और आपको वंचित कर दिया, वंचित कर दिया सर। तो क्या कैसे कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी साठगांठ से एसडीएम ने कर ली और वोट नहीं बनने दिया? ऐसा है, ऐसे प्रत्याशी एक सुरेश यादव है जी, टकैया जी, एक आमोद कोंतपुरा का जो हमारे गांव का निवासी जी वो भी है, एक मनोज कुमार भी है। तो क्या ये लोग क्या एसडीएम से के संपर्क में रहते हैं हमेशा? संपर्क में रहते हैं, और कोई लंबी डील भी हुई, राजनीतिक भी दबाव डाला गया, राजनेताओं ने भी प्रेशर बनाया इनका वोट न बनने दिया जाए। अच्छा, तो उन्होंने जो है ना क्यों नहीं मन बनने दिया, क्या कहते हैं पॉजिटिव? वो हमसे तो कह दिया कि आपका वोट बना जो है बन जाएगा जी। आप आवेदन करें, फिर उसके बाद लेखपाल को खड़ा करके मीटिंग में, मीटिंग हॉल में खड़ा करके ये कहा कि अगर इनका वोट यहाँ बन गया, वहाँ से कट गया, तो हम तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। एसडीएम कह रहे थे? एसडीएम क्या, क्या नाम है एसडीएम का? रतन वर्मा करेल। करेल, अच्छा चंद्रपाल जी किस गांव के रहने वाले हो? इसी कोतपुरा के। कोतपुरा के रहने वाले, क्या आपके गांव में कभी संति देवी रहती थी? रहती नहीं, रहती आज भी रहती साहब। आज भी रहती है? आज भी रहती है। क्या ये मकान भी है, जमीन भी, सब कुछ है। अच्छा, कितनी जमीन होगी उनके पास लगभग? यहाँ पर इनकी होगी करीब 65-70 बीघा उनके नाम पर। अच्छा, हाँ कोतपुरा में। हाँ, लेकिन उनका मतदाता सूची से नाम गायब है, जानकारी है? तो साहब चुनाव लड़ चुकी है, हैं? चुनाव लड़ा उन्होंने। अच्छा, हाँ। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।